प्रयास और एक ज्ञान की धारा बह रही है और हमें हमारे मृत्यु के प्लानिंग की ये ज्ञान धारा जिसे कहा जाता है अनसन व्रत की आराधना हर श्रावक का और हर साधक का हर श्रावक का और हर साधक का एक मनोरथ होता है एक मनोरथ होता है कद मैं जीवन के अंतिम समय पर चारों आहार का त्याग करके शरीर और सगवड़ों का त्याग करके सभी प्रकार की अनुकूलताओं का परित्याग करके प्रत्याख्यान पूर्वक पंडित मरण की प्राप्ति करो जिसको कहा जाता है अनशन व्रत की आराधना संथारा करोड़ों 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 जीवों की डेथ हो जाती हैं। तब एक जीव संथारा ग्रहण कर सकता है संथारा अनसन व्रत जैनों की एक स्पेशल क्वालिटी है जैन दर्शन में जीवन जीने की कला तो बताई है लेकिन मृत्यु के समय पर किस प्रकार से मृत्यु पाना उसकी भी आठ बताई है और मृत्यु की आठ जिसके अंदर में प्रकट हो जाती है ना उसका बहुत सफल हो जाता है डेथ आर्ट मृत्यु की आर्ट और ये इस प्रकार से होती है जब इच्छा होती है और मृत्यु हो जाती है उसे सुसाइड कहा जाता है इच्छा होती है और मृत्यु हो जाती है उसे सुसाइड कहा जाता है इच्छा की मृत्यु हो जाती है फिर मृत्यु होती है उससे अनसन व्रत कहा जाता है अधूरी इच्छाओं के साथ मृत्यु पाना ये तो हमारे हर मृत्यु की हर मृत्यु की स्थिति होती है लेकिन न यह लोग पोगे न पर लोगा सुस न यह लोक में कुछ पाने की इच्छा न परलोक में कुछ पाने की इच्छा न मान सम्मान पाने की इच्छा और मान ईगो हर्ट होने की तकलीफ किसी भी प्रकार की तकलीफ के बिना मृत्यु को वेलकम करना आओ मृत्यु हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं आप आते हो हम तैयार हैं हमें आपकी कोई इच्छा भी नहीं है ना जीने की इच्छा है ना मृत्यु की इच्छा है हमने तो सिर्फ और सिर्फ हमारे इस देह से मुक्त होने के भाव प्रकट किए हैं अब हम इस देह से मुक्त और देह से मुक्त होने का देह आसक्ति से मुक्त होने का देह परिग्रह से मुक्त होने का देह इच्छाओं से मुक्त होने का देह भोग से मुक्त होने का पुरुषार्थ क्या कहते इस पुरुषार्थ को अनसन व्रत की आराधना इसे कहा जाता है संलेखना संथारा और जब एक आत्मा पूरे जीवन भर पूरे जीवन भर संथारा करने का मनोरथ रखता है ना तब जाके उसे मृत्यु के समय में संथारा करने की अनुकूलता मिलती है वरना तो किसी का एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है किसी को तो लगता है अभी तो कोरोना हुआ है, मिट जाएगा मिट जाए लेकिन वो खुद ही मिट जाता है कई लोग अपनी मृत्यु को समझ भी नहीं पाते मृत्यु हो जाती है और कई तो हम कोलका चातुर्माश में थे वो लाखी परिवार उनके वो भाई रात को सोए सुबह उठे ही नहीं उसकी सुबह ही नहीं हुई तो कई तो ऐसे होते रजनी भाई कि जो सोते 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 ही, ही सोते सोते ही, ही दिन नहीं आता और चले जाते हैं न संथारा करने की कोई अनुकूलता मिलती न गुरु के दर्शन करने की कोई अनुकूलता मिलती न भगवान का स्मरण करने की अनुकूलता मिलती न लास्ट में अपने फैमिली को कोई बाय बाय करने की अनुकूलता मिलती है कब जाते हैं वो मालूम ही नहीं पड़ता है कहां जाते है, वो मालूम ही नहीं पड़ता है कहां गए वो भी मालूम नहीं पड़ता क्योंकि उसके चिन्ह को भी हम परख नहीं पाते कई भाग्यशाली ऐसे होते स्वस्थ होते हैं बस उसे लगता है कि अब मृत्यु को मुझे अब मृत्यु को मुझे आमंत्रण देना चाहिए और मुझे संथारा ग्रहण करना चाहिए ऐसी भी कई आत्माएं होती है जो सिर्फ गुरु का निर्देश मिलता है कि अब आपके संथारे का समय मिल गया है वो ये नहीं देखती कि मैं स्वस्थ हूं कि अस्वस्थ हूं वो ये नहीं देखती कि अभी मुझे जीना है कि नहीं जीना है गुरु ने आज्ञा दे दी गुरु ने आज्ञा दे दी और उसने संथारा ग्रहण कर लिया आपने देखा होगा परम जी जी एक बार कहा और उसने संथारा ग्रहण कर लिया और कई आत्मा ऐसी होती हमको विनंती करती गुरुदेव मम्मी ने तबियत बहुत खराब संथारो करा दियो ने अरे बेटा जी मम्मी दस वर्ष जीववाला

टाइम आवे हमने के जो टाइम आई तो अरे कई बार तो क्या होता है टाइम आ जाता है और हम निर्देश भी दे देते बस अभी आपको संतारा करने का समय हो गया है अरे गुरुदेव हजी तो हजी तो हजी तो हजी तो हजी तो उसकी कई इच्छाएं होती उसके अंदर में कई अपेक्षाएं होती कई प्रकार के उसके प्लानिंग होते कई प्रकार के डिजायर होती है कई प्रकार के उसके सपने होते हैं लेकिन याद रखना कई बार रात में सपने सपने रह जाते हैं और अपने चले भी जाते हैं और इसीलिए जैन दर्शन में मृत्यु की तैयारी को संथारा कहा जाता है मृत्यु की तैयारी को संलेखना कहा जाता है पहले से प्लानिंग किया जाता है शरीर के रस कस को धीरे 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 क्षीण किया जाता है पहले पहले काश ना किया जाता है धीरे धीरे एम्बिल की जाती है धीरे धीरे उपास की जाती है धीरे धीरे छठ कराए जाते हैं और फिर उसके शरीर में से क्रुशता क्रुशता इतनी क्रुष्ट आ जाती है कि बस वो उनकी शरीर की क्षमताएं शून्य होने लगती है और फिर उसे संथारा की आराधना कराई जाती है जिसके द्वारा उनका संथारा समाधिमय हो जाए एक बात तो याद रखना ही है डेथ तो आने ही वाली है मृत्यु तो आने ही वाला है हमें यहां से जाना तो निश्चिंत है मरना यदि निश्चिंत है तो एक बात याद रखो किस प्रकार से मरना उसका प्लानिंग अपने हाथ में ले लो जिसके हाथ में डेथ प्लानिंग का रिमोट अपने हाथ में हो जिसके अंदर में डेथ प्लानिंग का रिमोट हाथ में हो बस बटन दबाया वॉल्यूम लो होता गया लो होता गया लो होता गया लो होता गया और फिर धीरे 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 स्विच ऑफ इसके लिए प्लानिंग करना पड़ता है इसके लिए इच्छाओं से मुक्त होना पड़ता है और इसके लिए अभी से आपके अंदर में यदि सो इच्छाएं होती है ना उसमें से पांच इच्छा की मृत्यु अभी से कराना शुरू कर दो आज मन हुआ है घूमने जाना है नहीं जाना है आज ये कपड़े पहनने का मन है नहीं पहनना है आज ये सूज पहनना है नहीं पहनना है आज ये मैचिंग साड़ी पहननी नहीं पहननी है आज ये खाना है नहीं खाना है आज ये देखना है नहीं देखना है आज इसके साथ बात करनी है नहीं करनी है। आज इसको कॉल करना है नहीं करना है धीरे 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 जैसी जैसी इच्छा जागृत हो वैसे वैसे उस इच्छा पर ब्रेक लगाना शुरू कर दो क्योंकि धीरे धीरे जब हम इच्छा पर ब्रेक लगाते हैं तो धीरे 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 हमारा मन ट्रेंड होना शुरू होता है धीरे धीरे हमारा मन ट्रेंड होना शुरू होता है अभी थोड़ी दिन पहले मैंने आपको कहा था आईस में प्रॉब्लम था और मुंबई के हमारे एक डॉक्टर थे डॉक्टर तो नहीं वो लेकिन वो एक अच्छे एक ट्रेनिंग करने वाले हैं उसने मुझे ऐसी दो चार ट्रेनिंग दी और आंख में पूरा वो जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया और मुझे कहा कि थोड़ी थोड़ी देर बाद आप लोगों को देखते हो ना अंधेरे को देखना तो मैंने यहाँ एक काला पर्दा भी रखा हुआ है ट्रेनिंग मैं बात तो कह रहा था ट्रेनिंग जैसे 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 हम अपने आप को ट्रेनिंग देते हैं ना हमारे मन को ट्रेन करते हैं ना मन उसी दिशा में जाना शुरू हो जाता है संथारा अनशन व्रत की आराधना के लिए भी संथारा अनशन व्रत की आराधना के लिए भी अपने मन को ट्रेन करो और मन को ट्रेन करने के लिए धीरे 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 इच्छा पर ब्रेक लगाओ और धीरे धीरे इच्छा पर ब्रेक लगते 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 आप इच्छा मुक्त हो जाओगे उस दिन आपका संथारा स्टार्ट होगा और जिस दिन संथारा स्टार्ट होगा उस संथारा में कोई इच्छा ही नहीं रहेगी भगवान ने कहा इच्छा के साथ जब मृत्यु होती है तब ही आत्मा व्यंतर आदि देव कक्षा में जाती है इच्छाओं के साथ जब मृत्यु होती तभी आत्मा भूत पिशाच यक्ष रक्ष किन्नर किम पुरुष मोहरक इसी भाई भुई भाई इस प्रकार के व्यंतर देवों में उसकी उत्पत्ति होती है और जिस आत्मा की इच्छा मृत्यु हो जाए उसके बाद में मृत्यु हो जाए तो कहा जाता है उसे सर्वश्रेष्ठ वैमानिक देवों में जन्म मिलता है मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है हॉस्पिटल के बिछाने पर हो नाइन्टी साल की उम्र हो शरीर में कोई कैपेसिटी ना हो और उसके बेटे हमको मांगलिक सुनाने के लिए ले, ले जाते हैं જૈસે માંગુલિક સુનાતે ફીર કે બરોબર છે ને દાદા બધું બરોબર છે આમ તો બધું બરોબર છે પણ ગુરુદેવ કઈક આશીર્વાદ આપો ને શેની માટે લગન છે ને લગન જોઈને દીકરાની વહુ નું મોઢું જોઈને પછી જાવું છે હા હા મૃત્યુ કે શરણ મે તીન ઘંટે કે બાદ ઓફ બી હો જાતે ऐसा कहने के बाद तीन घंटे के बाद वो दादाजी ऑफ भी हो गए लेकिन फिर भी किसी का चेहरा देखने का राग होता है किसी का चेहरा देखने की इच्छा होती है किसी परिवार जन को देखने की इच्छा होती है और फिर वो होता है क्या मालूम है ऐसी इच्छा वाले व्यक्ति उसी के घर में छिपकली बनकर सबके चेहरे देखते रहते कहा जिसकी आसक्ति होती है घर में उसकी उत्पत्ति होती है घर में जहां आसक्ति होती वहां उत्पत्ति होती है आशक्ति का मृत्यु हो जाए और फिर शरीर का मृत्यु हो इससे अनसन व्रत की आराधना कहते हैं आशक्ति का मृत्यु हो जाए और फिर शरीर का मृत्यु हो इससे अनसन व्रत की आराधना कहते हैं शरीर का मृत्यु हो जाए लेकिन आसक्ति का मृत्यु ना हो उससे भगवान ने बाल मृत्यु कहा है अज्ञान मृत्यु कहा है इच्छा की इच्छा होते हुए मृत्यु कहा है प्रभु का श्रावक वो होता है प्रभु का साधक तो वो होता है सम्यक दृष्टि आत्मा तो वो होता है जो जीवन को भी सम्यक रूप में निहारे और मृत्यु को भी सम्यक रूप में निहारे आयुष्य कर्म कब पूरा होगा यदि मुझे मालूम नहीं है लेकिन जब जब मेरा आयुष्य पूरा होने की मुझे कहीं ना कहीं कहीं न कहीं से संकेत मिलेंगे मैं जीने की झंखना नहीं रखूंगा मैं मृत्यु को आवकार दे दूंगा और मृत्यु को जो आवकार दे देता है ना वो शांत तो हो जाता है लेकिन एक बात यह भी याद रखनी है सुसाइड में और मृत्यु में बहुत ज्यादा फर्क है क्रोध के कारण अंदर की अशांति के कारण कोई इच्छा पूरी न होने के कारण ईगो हर्ट होने के कारण इमोशन डिस्टर्ब होने के कारण किसी न किसी प्रकार से यदि हम अपने आप को हार्म करते हुए सुसाइड कर लेते हैं समझना इसे अपमृत्यु कहा जाता है और ऐसे बहुत लोग करते हैं ऐसा बहुत लोग करते हैं जो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाते ना वही सुसाइड करते हैं और जिसने अपने आप पर संयम रखना सीख लिया कंट्रोल रखना सीख लिया अपने इमोशन को कंट्रोल में रखना जिससे सीख लिया ना वो कभी भी सुसाइड नहीं करते और इसीलिए भगवान महावीर ने कहा जीवन जिसका संयम में होता है ना जीवन जिसका संयम में होता है ना मृत्यु उसकी संथारा में होती है जीवन जिसका आसक्ति में होता है किसी वस्तु में किसी फ्रेंड में किसी गर्लफ्रेंड में किसी और किसी व्यक्तियों में अर्जन लोगों की आसक्ति जहां पर डिस्टर्ब होती है ना वो मन से टूटते हैं और मन से टूटते इसीलिए वो लोग सुसाइड करने का प्रयत्न करते हैं और इसीलिए भगवान ने कहा सुसाइड करना यह कायरों की निशानी है सुसाइड करना वह कायरों का कर्तव्य होता है सुरवीर कभी सुरवीर कभी सुसाइड नहीं करता सुरवीर तो सामने से संथारा करता है सुरवीर तो वो होता है जो इच्छाओं के युद्ध में जीत जाता है तो इच्छाओं के युद्ध में हार जाता है ना वो सुसाइड करता है जिसकी ये इच्छा पूरी नहीं हुई उसने मुझे प्यार से नहीं बुलाया उसने मेरी केयर नहीं की उसको मेरी परवाह नहीं है उसको मेरी कदर नहीं है मैंने उसके लिए इतना किया था बस अब जीने का कोई अर्थ ही नहीं है अब मुझे जीना ही नहीं है उसको मेरे लिए नहीं है तो मुझे भी अभी और इसीलिए परमात्मा ने कहा है मुहुम मुहुम मोह मुह गुणे क्षय धीरे 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 अपने सेल्फ पर अपनी इच्छाओं पर अपनी वृत्तियों पर संयम सीखना ही पड़ेगा और याद रखना ये संसार में संयम ही सुखी होता है भोग ही अंत में दुखी होता है जिसका सेल्फ कंट्रोल हो गया ना वही सुखी होता है और जिसका सेल्फ कंट्रोल नहीं होता ना वो दुखी होता है लेकिन गुरुदेव हम संथारा करना चाहे तो क्या प्लानिंग करनी चाहिए कई बार हमें पूछते हैं कि संथारा करने के लिए प्लानिंग क्या होनी चाहिए सबसे पहले भगवान ने कहा जब आप स्वस्थ होते हैं, जब आप मस्त होते हैं ना तो दिन में उठते के समय और रात में सोते समय दो बार મનોરથ કી આરાધના કરી પ્રભુ ધન્ય દિવસ કરીશ ક્યારે પ્રભુ એવો અવસર આવશે કે મૃત્યુની ઘડી પર સંથારાપૂર્વક મૃત્યુ પામીશ પ્રભુ એવો ધન્ય અવસર આવે પ્રભુ એવી ધન્ય ઘડી આવે प्रभे भी धन्य पढ़ पंडित मरण प्राप्त करू प्रभु चार आहार चारे आहार त्याग कर संथारो ग्रहण कर पंडित मरण ने प्राप्त ते घड़ी ते दिवस मारो धन्य इस प्रकार से रोज 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 रोज, रोज साइकोलॉजिकल अपने सेल्फ को संथारा करने की भावना से भावित करो सुबह में किया रात में, में, में सोते समय किया रात में सोते समय किया सुबह में किया तो धीरे 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 जब भी आज से दस साल पंद्रह साल बीस साल के बाद जब भी संथारा का समय आ जाएगा मृत्यु की घड़ी आ जाएगी आपको आपके अंदर से ही वो धन्य पल आ गई ऐसा भाव आ जाएगा क्योंकि आपने रोज 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 रोज, 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 रोज अपने आप को तैयार किया है किस तरह से तैयार किया है भगवान ने कहा मनोरथ की भावना से वो दिन मेरा धन्य होगा इसको मनोरथ कहा जाता है मनोरथ की मन की इच्छा जिस प्रकार से व्यक्त होती है उसे मनोरथ कहा जाता है वो दिन मेरा धन्य होगा जब मैं पंच महाव्रत को शिकार करूंगा यह श्रावक का द्वितीय मनोरथ है कब वो धन्य दिन आए कि जब मैं आरंभ परिग्रह का त्याग कर दू ये श्रावक का प्रथम मनोरथ होता है जब मैं संसार के पापों से मुक्त हो जाऊं ये पहला मनोरथ होता है कब मैं संयम जीवन को शिकार करूं ये दूसरा मनोरथ होता है और कब मैं कब मैं पंडित मरण को प्राप्त करूं ये तीसरा मनोरथ होता है भगवान का तीसरा मनोरथ रोज 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 सुबह शाम करते 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 अपने आत्मा पर उस भावों से भावित करने का अपने मन पर इन भावों से भावित करने का ऐसा प्रभाव छोड़ दो कि जब भी संथारा करने की पल आ जाए ना आपकी आत्मा ही आपको जागृत कर देगी आपकी आत्मा आपको जागृत कर देगी और धीरे 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 जिसको भी संथारा करना होता है उससे लास्ट में अभी हमने आपको कहा ना इस प्रकार से पहले शरीर को क्रूस करना होता है और शरीर को क्रूश करने के बाद अभी लगे कि बरबर है तब गुरु के पास जाकर अपने गुरु के पास जाकर आज्ञा लेनी चाहिए कि मैं संथारे के करने के योग्य हो तो आप मुझे संथारा करने की पछखाण दो मुझे अनशन व्रत की आराधना करने की पछखाण दो जब एक आत्मा गुरु के पास जाता है तब गुरु अपने अनुभव के आधार पर गुरु अपनी मति ज्ञान की निर्मलता के आधार पर गुरु अपने ज्ञान की विशिष्टता के आधार पर चेक करता है कि इसका आयुष्य किस प्रकार का लगता है किस प्रकार की स्थिति है यदि लगे कि नहीं अभी तो तीन चार महीने लगे लग रहा है तो उसे कहते हैं अब ये काम करो अब छठ के पारण छठ करो अठम के पहा अठम करो धीरे 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 समय आएगा ना तब हम कहेंगे तो वापिस अपने शरीर की क्षमता क्षीण करने में प्रयत्नशील हो जाता है जब तक शरीर की अठी मिंच मेरो जब तक सलामत होता है तब तक संथारा ग्रहण नहीं किया जा सकता जब मेरो धीरे 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 कम होना शुरू हो जाए क्योंकि मेरो में से ब्लड बनता है ब्लड में से पूरे शरीर पुष्टिकरण होता है और इसलिए पूरे शरीर का पुष्टिकरण जिस जिस द्रव्य से होता है उस द्रव्य को जब तक हम क्षीण ना करें तब तक, तक संथारा कराने के बाद क्या होते है दस दिन बारह दिन पंद्रह दिन बीस दिन पच्चीस दिन तीस दिन पैंतीस दिन चालीस दिन फोर्टी फाइव डेज फिफ्टी डेज और फिर धीरे 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 जब जाके बोन मेरो क्षय होता है क्षीण होता है तब जाके शरीर को पुष्टिकरण क्षय हो जाता है और फिर संथारा परिपूर्ण होने की दिशा मिलती है लेकिन बहुत पेनफुल हो जाता है वो बहुत ही पेनफुल हो जाता है और इसीलिए जब भी किसी को संथारा कराना हो तो गुरु को चेक करना होता है कि उसका बॉन्द में कितना कितना क्षीण हुआ है उसका मिंज कितना क्षीण हुआ है और तब जाके उसे संथारा की आराधना कराते हैं संथारा करना मन की बहुत बड़ी मक्कमता होनी चाहिए जिसे संथारा करना उसे मन की बहुत बड़ी मक्कमता होनी चाहिए क्योंकि भगवान ने कहा है जमम दुखम जरा दुखम रोगाणी मरणाणी अहो दुखो संसारो भगवान ने कहा है कि जन्म भी दुख का कारण है और मृत्यु भी अनंत पीड़ा का, का कारण होता है जिस देह के साथ जिस देह के साथ आपके मैरिज हो गए अब वहां से डाइवोर्स लेना बहुत इजी नहीं होता है जिस शरीर के साथ आपके मैरिज हो गए आपकी आत्मा और आपकी बॉडी के मैरिज हो गए हैं अब साथ 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 इतने साल रहे और आपके तो नहीं एक पल में डाइवोर्स हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अमेरिका में हो जाता है इंडिया में नहीं होता है Hello? किसी की बॉडी अमेरिकन बॉडी होती है किसी की इंडियन बॉडी होती है अमेरिकन बॉडी वाले को चिंता नहीं होती पल में पल में संथारा सं लेकिन इंडियन बॉडी वालों को तो बहुत 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 राह देखनी पड़ती है बहुत बहुत प्रयत्न करना पड़ता है और इसलिए भगवान ने कहा धीरे 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 आपको प्लानिंग करना है गुरु की निश्रा में रह कर बार 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 बार, बार गुरु की आज्ञाओं के कारण अपनी इच्छाओं की मृत्यु करनी होती है और जब ऐसी स्थिति आ जाती है तब गुरु उससे तिविहार और चविहार दो प्रकार के संधारे ग्रहण कराते हैं शुरुआत में उससे आहार का त्याग कराते हैं और पानी की छूट रखते हैं इसे तिविहार संधारा कहा जाता है और फिर बाद में धीरे धीरे लगे कि बस अब समय नजदीक आ गया है तब उससे पानी का भी त्याग करा दिया जाता है जिसने संधारा किया होता है वह प्रभु स्मरण में प्रभु भक्ति में परमात्मा के दर्शन करने की भावना में लीन रहता है उससे कभी किसी को दर्शन देने के भाव नहीं होने चाहिए उससे कभी भी कोई दर्शन करने के लिए आए तो दर्शन देने के भाव नहीं होने चाहिए किसी ने संधारा ले लिया तो उसके पास में जो दर्शन कराने के लोगों की लाइन लगती है ना उससे थोड़ा दूर रखना चाहिए क्योंकि भगवान ने कहा है भगवान ने कहा संथारे के अंदर ने किसी भी व्यक्ति को कितनी बातों का ध्यान रखना चाहिए तो भगवान ने कहा नो यह लोग पाओगे इस जगत में किसी भी वस्तु की प्राप्ति हो जाए ऐसी इच्छा से मुक्त होना चाहिए नो, हो नो पर लोग पाओगे न परलोक में मुझे कुछ वस्तु की प्राप्ति ऐसी इच्छा होनी चाहिए वंद से लो लोग आए लोग प्रशंसा करें लोग प्रणाम करें लोग वंदन करने के लिए लाइन लगा दे लोगों में मेरा महत्व बढ़ जाए लोगों में मेरी प्रसिद्धि हो जाए लोगों में मेरी प्रशंसा हो जाए इस प्रकार की किसी भी इच्छा से मुक्त होना चाहिए जब लोगों की भीड़ लग जाती है तो जाने अनजाने में जाने अनजाने में संथारा क्या हुआ व्यक्ति कहीं ना कहीं देश मिक्स हो जाएगा तो संथारा करने के बाद भी भगवान कहते हैं उसकी मृत्यु बिगड़ सकती है इसलिए जिसने भी संथारा किया हो एकांत रूम में और इसीलिए पहले के साधक जब भी संथारा करने के लिए भगवान के पास विनंती करने के लिए आते थे ना तो भगवान उसे आगना देते थे और वो राजगृही के पहाड़ों पर चढ़ जाते थे वहां चाहे तीर्थंकर नेमनाथ हो तो भी वो गिरनार चढ़ जाते थे पांडव जैसे पांडव भी शत्रुंज चढ़ गए थे और 20 बीस तीर्थंकरों ने भी अंतिम समय को के पहाड़ के ऊपर को इजीली आ ही ना पाए तो जो संथारा करने वाला है वो एकांत में अपनी सिर्फ आत्मय अनुभूति में, में रह पाए इसीलिए संथारा एकांत स्थान में करना चाहिए हमने हमारी लाइफ में पहली बार संतारा के आराधना कराई थी मीरा रोड में बंसीधर भाई लाखाणी को फिर हमने एकदम अंतिम समय में मंगलमूर्ति मुक्ताबाई महाशित जी को श्री कांताबेन देसाई करके एक आत्मा थी फिर हम बिहार में थे बिहार की और, और बोकारो स्टील सिटी में हमने भौरी देवी लुकड जी को साधना कराई थी के ऊपर में हमने परम आराध्या जी महा जी को हमारे पराग भाई के मातुश्री को उनको संथारा के आराधना कराई थी उसी पारस नाम हमने राजेश भाई मोदी को पवन धाम में हमने ब्रजलाल भाई सेठ को आराधना कराई थी राजकोट के जैन चल में विजय भाई शाह को कराई थी और हमारे प्रबोदिकाबाई महाश जी की प्रथम शिष्या थी लक्ष्मी बिन सावला आराधना जी महाश जी को हमने संथारा का पाठ दिया था जरिया में वेजूबेन मेहता को भी हमने संथारा कराया था और कई आत्माओं की संथारे में हमने बहुत कुछ सपोर्ट और अनुकूलता दी थी तो मीना बाई बाप जी महाश्री थे बापजी ललिताबाई महाश जी थे जनकमणि महाराज थे ऐसे कई आत्माओं को संथारे में हमने बहुत ही बहुत ही बहुत ही सानुकूलता प्रदान की थी संधारा करना संधारा कराना और संधारा की अनुमोदना करने तीनों ही श्रेष्ठ कर्तव्य होते हैं। और एक बात अब लास्ट में याद रखना जो संथारा का पछखण देता है सामने वाला यदि डिग जाए चलित हो जाए और संथारा भंग करने की इच्छा रखे तो जो पचखान देने वाला होता है उससे संथारा करना होता है इसलिए किसी को भी संथारा का पाठ देने के पहले गुरु को बहुत ही सावधान होना पड़ता है कोलकाता से बिहार हो रहा था और हम सात किलोमीटर निकल दे गए थे और निकलते समय हम एक ऐसी दिव्य आत्मा को एक ऐसे उत्तम आत्मा को प्रोमिस देकर निकले कि दी आपका अंतिम अवसर मुझे लगा तो मैं वापिस आऊंगा और वापिस हम कोलकाता में आए मातुश्री ताराबेन जेठालाल मोदी परिवार उस ताराबाई के लिए 99 साल 100 साल की उनकी शताब्दी और उनकी भी जो संथारा की आराधना हुई जिस प्रकार से उसने देव विसर्जन किया इतनी क्षमता इतनी शांति इतना भाव तो कोई एक आत्मा था जो अमेरिका था सालों से हमें विनंती करता था हमने कहा आपका समय आएगा ना तब हम आपको मैसेज देंगे कितने साल उसने बार बार मुझे कहा आ जाओ इंडिया आ जाओ इंडिया आजाओ इंडिया में न फिर हमारे रॉयल पार्क के चतुर्मा के पहले हमने उसको मैसेज दे दिया आ जाओ अरे चतुर्माश स्टार्ट हुआ नहीं हुआ अभी थोड़े दिन हुए थे और इनकी हेल्थ डाउन हुई और भाव से उनके बेटे की इच्छा थी हॉस्पिटल ले गए लेकिन हॉस्पिटल वाले ने भी बोल दिया कि अभी ज़्यादा कुछ लगता नहीं है उसे लेकर आ गए रात को लेट रात को लेकर आए थे हम उनके पास जा नहीं सकते थे पूरी रात उन्होंने हमारी प्रतीक्षा की सुबह में हम उनके पास गए पछखान दिए आराधना कराई और आराधना करने के बाद हमारी नज़र हो के सामने सिर्फ पाँच मिनट थी उन्होंने विदाई ले ली वो थे हमारे पूज का भाई महास जी के मातुश्री ललिताबेन हेमाणी इसी प्रकार से हमने कोलकाता में गिरीश भाई को भी संथारा की आराधना कराई सविता बेन ठोसानी को भी हमने संथारा की आराधना कराई अलग अलग आत्माओं के अंतिम समय में ऐसे बहुत सारे आत्माओं के पछखाड़ देने का मौका मिला बस हम तो यही चाहते हैं हमने इतनी आत्माओं को संथारा ग्रहण कराया मोस्टली प्रायः वो सभी देवलोक में पता रहे होंगे एक बार कोई नीचे आकर कह दे क्या कि हम यहाँ पर संतारा की आराधना करके एकदम सेट हो गए हैं और हमने आपके लिए सब कुछ सेटिंग करके रखा है जब जब आपका संतारा हो जाएगा हमने आपके लिए पूरा यहाँ पे सब कुछ तैयार करके रखा लेकिन कोई आता ही नहीं है हेलो आज तक कोई आता ही नहीं कितने कितने लोगों से मैंने प्रॉमिस लिया था तुझे बराबर मंगलमूर्ति मुक्ताबाई महासती के पास से भी मैंने प्रॉमिस लिया था लेकिन आज तक कोई कहने के लिए वापिस नहीं आता कि हम यहाँ पर हो सकता है कि हमारे यहां से उनको वहां पर ज्यादा कुछ मुगोद में हमारे यशोमती बाई महाशति जी उनकी भी संथारा की आराधना हुई वो भी श्रेष्ठ आत्मा कितना सहन करते 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 हमारे प्रियल भाई ने उनको इतनी सेवा की तुजस्वी प्राण कौरब महाशि ने उनको अंतिम आराधना कराई और वो भी कैंसर से पीड़ित थी लेकिन एक सुरवीर योद्धा थी सहन करते 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 मुस्कुराते उन्होंने मृत्यु को वेलकम किया था इसको संथारा कहा जाता है मुस्कुराते हुए मृत्यु को वेलकम करना उसे संथारा कहा जाता है और पीड़ा के कारण हर्ट के कारण दुखी होते होते तकलीफ आते आते संथारा हो तो उसे संथारा नहीं कहा जाता है हमारे कुछ मिनल भाई मा जी को उनको भी हमने अंतिम आराधना की आज्ञा दी हम आपको यही कहना चाहते हैं जब किसी का संथारा हो जाए ना अपना स्वार्थ देखकर उनके पास में जाकर हल्ला गुला मत मचाना दूर जाकर उसके संथारे को भाव वंदन करते हुए उन्हें प्रणाम करना और हम यही चाहते हैं जीवन में तो हम परमात्मा को याद करते ही है लेकिन मृत्यु के समय में भी हम परमात्मा स्मरण से पावन बने और उसके लिए हम निमित्त बन पाए ना सबसे बड़ा सौभाग्य होता है इसलिए आप में से एक अनसन आराधना ग्रुप बनाना चाहिए आपके आस पास में लगे कि, कि किसी का अंतिम समय है तो आपको संतारा का पचखंड देना का पाठ भी आना चाहिए अंतिम आराधना क्या करानी चाहिए एक घंटे दो घंटे के लिए वो भी हमारे पास सीख लेना चाहिए तो कभी कभी जहां पर संत नहीं पहुंच सकते वहां पे शासन प्रभावक बनकर उनकी अंतिम क्षणों को पलों को सुधार सकते हैं हमारे रजनी भाई विनू भाई संघवी आदि राजेश भाई मोदी के पास रोज जाते थे हमने उनको आज्ञा दी थी राजेश भाई मोदी को बार 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 बोध देते थे उनको संथारे के लिए तैयार करते थे इस प्रकार से हमारे पावन धाम में मालती बेन है प्रतिबेन है वो भी सब संतारा की आराधना कराने मास्टर हो गए हैं आप लोगों को भी सीख लेना चाहिए और कभी कभी पुणे में कभी कभी कोलकाता में कभी कभी चेन्नई में कभी कभी दिल्ली में और कभी कभी अमेरिका में भी किसी को लगे कि अंतिम पल है तो लोगों को मालूम ही नहीं पता क्या करना चाहिए और उसके परिवारजन होते ना वो बहुत ही बहुत ही बहुत ही क्या करना गुरुदेव सुन करू जी यहाँ कोई चे नहीं हमने कोई ऐसा बोलते हैं ना हम कहते हैं शांति रखो हो जाएगा तो आपके लिए मैं एक और कर्तव्य बता रहा हूँ किसी की अंतिम पलों को सुधारना उसके भाव को सुधारना होता है उसके भाव भाव को सुधारना होता है और जो दूसरों की भाव को सुधारता है वो खुद के भी भाव को सुधार लेता है तय करो पुरुषार्थ करो कि संथारा की आराधना करना जीवन की सार्थकता होती है संथारा की आराधना करना जीवन की सार्थकता होती है बस आप सदी के हम सदी के जीवन की सार्थकता हो और एक मनोरथ साधु और श्रावक का एक होता है दो मनोरथ साधु और श्रावक के अलग होते हैं लेकिन तीसरा मनोरथ एक होता है क्यारे एवो अपूर्व अवसरावे संलेख न संथारा साथे पंडित मरण ने प्राप्त करो बस हम सब के अंदर में यह मनोरथ सार्थक हो यही मंगल कामना